हेलो दोस्तों, मैं आप लोग को इस वीडियो में एक पीएचटी फाइल रिकवरी टूल्स के बारे में बताने वाला हूं, जो कि इसका नाम है स्टेलर पीएचटी रिकवरी टूल्स है। ये देखिए, इसका वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट ये है www.stellarinfo.com। इस वेबसाइट से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं इस वेबसाइट से, और ये बहुत सारे सिनारियों में काम आता है, जैसे कि आपका पीएचटी ओपन नहीं हो रहा, आउटलुक ओपन नहीं हो रहा, या रिपेयर नहीं हो पा रहा है, तो इस तरीके से आप लोग ऐसे सारे सिनारियों में आप लोग कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, फ्री में डाउनलोड करने के लिए दिखा रहा है, 100% सिक्योर है, और यहाँ पे मैंने दो बार ऐसा किया तो इधर कीप, अगर ऐसा ऑप्शन आया तो कीप ऑप्शन पे आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पे डाउनलोड हो गया, छोटा सा एमबी का फाइल है, और यहाँ पे आप लोग शो इन फोल्डर भी कर सकते हैं, ओपन डायरेक्ट ओपन भी कर सकते हैं। ओपन करेंगे डायरेक्ट रन हो जाएगा, तो हम लोग रन कर लेते हैं, ओपन किया, ओके किया, और इसमें कुछ इंस्टॉलेशन का कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, आपको सिर्फ नेक्स्ट नेक्स्ट एक्सेप्ट करके नेक्स्ट नेक्स्ट करना है। और ये देखिए, ये पाथ दिखा रहा है कि किस पाथ से आपका ये हो रहा है, और यहाँ पे क्रिएट डेस्कटॉप शॉर्टकट है, और इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे इंस्टॉल पे, और ये एक मिनट के अंदर अंदर इंस्टॉल हो जाता है। और आपका कोई भी पीएचटी फाइल अगर करप्ट हो गई है तो वो आपको रिपेयर करके देगा। ये देखिए, इंस्टॉलेशन सक्सेसफुल का ऑप्शन आ गया है, तो ये सब मैं क्लोज कर रहा हूँ, और जो शॉर्टकट है मेरा डेस्कटॉप पे है उसको मैं ओपन करता हूँ, जैसे कि आप लोग भी देख रहे हैं। इस तरीके का आपका जैसे ओपन करेंगे इस तरीके का इंटरफेस आएगा, यहाँ पे अपने को चूज मैनुअली करना है, और यहाँ पे ब्राउज करके जाना है जो भी पीएचटी आपको रिपेयर करना है। ये देखिए, मेरे पास दो पीएचटी है, आप लोग देख लेंगे आपका पीएचटी है कहाँ पे। बहुत लोग रहता है डी ड्राइव में, रहता है एप डेटा में, रहता है डॉक्यूमेंट्स में रहता है, तो अपना पीएचटी पहले देख लेंगे कहाँ कहाँ पे है। जैसे कि मैंने चूज मैनुअली पे क्लिक किया तो डायरेक्ट डॉक्यूमेंट्स आउटलुक फाइल ओपन कर दिया है, तो मेरे को ये जो ऊपर वाली पीएचटी है उसको सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पे रिपेयर पे क्लिक कर दूंगा। रिपेयर पे क्लिक करने के बाद जितनी बड़ी एमबी का फाइल रहेगा, जितना जीबी का फाइल रहेगा, उतना टाइम लेने वाला है। ये देखिए इसमें मैंने कुछ भी स्किप नहीं किया, इतना फटाफट हो गया, ज़्यादा टाइम नहीं लेगा ये आपका, और अच्छा सॉफ्टवेयर है। ये देखिए, ओके कर दूंगा, और ये देखिए रिपेयर हो चुका है, रिपेयर करके लिख के आ रहा है। ये देखिए 1543 मेल है मेरे पास, 1543 मेल है, ओके करूंगा। यहाँ से आप लोग व्यू कर सकते हैं, सिर्फ व्यू कर सकते हैं, आप लोग इसको रिपेयर फाइल को सेव नहीं कर सकते जब तक कि आप लोग परचेस नहीं करते। अगर परचेस कर लेते और परचेस करते हैं तो आप लोग को ये सेव कर सकते हैं आप लोग फाइल, नहीं तो आप लोग सिर्फ व्यू कर सकते हैं और देख सकते हैं क्या मेल है क्या नहीं है। अगर आप लोग को सब मेल मिल रहा है तो ये आपको रिपेयर करके सेव कर देगा आपका फाइल। ये देखिए सेव, और उसके बाद अगर आप लोग परचेस कर लेते हैं सेव, जैसे ये मेरा ऑप्शन आया सेव करके पीएचटी, ये सब एक्सटेंशन दिखा रहा है, तो शायद ये आपका ना आए क्योंकि परचेस करने के लिए आपको दिखाएगा, एक्टिवेट करने के लिए दिखाएगा, आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा। और आपको किस लोकेशन पे आपको सेव करना है रिपेयर फाइल को, वो लोकेशन आपको दिखाई देगा, किस लोकेशन पे आपको सेव करना है वो दिखाई देगा। ये देखिए ओके कर रहा हूँ, मेरे को उसी लोकेशन पे सेव करना है, तो इधर मैं सेव कर दे रहा हूँ, सेव हो गया, फाइल सेव हो गया है। ओके, ये देखिए 85.75 एमबी का फाइल था, इसको मिनिमाइज करता हूँ, आउटलुक ओपन कर लेता हूँ। आउटलुक ओपन करने के बाद हम लोग उस पीएचटी को जो रिपेयर किया हमने उसको ऐड करके देखेंगे, वो मेल मेरा पूरा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, क्या है कैसे, जो पीएचटी फाइल है। यहाँ पे फाइल पे क्लिक करेंगे, जैसे कि आउटलुक आपके पास है तो फाइल पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको, ओपन एंड एक्सपोर्ट ऑप्शन, ओपन एंड एक्सपोर्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देंगे और जो सेम है वैसे रहने देंगे। नेक्स्ट करेंगे, जिस ऑप्शन पे है यहाँ पे आउटलुक डेटा फाइल पीएचटी, इस पर सेलेक्ट करके नेक्स्ट करेंगे, और उसके बाद आपको कौन सा डेटा इसमें ऐड करना है, कौन सा डेटा इम्पोर्ट करना है। तो ये देखिए, मेरे पास जो रिपेयर हो चुका होगा उसको रिपेयर करके लिख के आएगा एक, और थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा, रिपेयर करके लिख के आएगा, उसको सेलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, और यहाँ पे आप लोग दोनों ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि इंपोर्ट आइटम इनटू द करेंट फोल्डर या इंपोर्ट आइटम इनटू द सेम फोल्डर। तो मैं सेम ऐसे ही कर रहा हूँ, सेम फोल्डर कर रहा हूँ, फिनिश करेंगे, उसके बाद ये आपका डेटा आपको मिल जाएगा, ये इसमें ऐड हो जाएगा। ये देखिए स्टेलर, ये देखिए आउटलुक
का डेटा सब कॉपी हो रहा है, और आपको देखे दिखाई देगा कि यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है टॉप ऑफ आउटलुक डेटा फाइल, उसके अंदर ही आपको मिलेगा। जैसे कि आपको वहाँ पे पीएचटी जब रिकवर कर रहे थे, जब स्कैन हो रहा था, तो वहाँ पे भी ऐसा कुछ लोकेशन आपको दिखाया था। ये देखिए टॉप ऑफ आउटलुक डेटा फाइल इनबॉक्स इसके अंदर रहेगा, नहीं तो आप ढूंढेंगे कहाँ पे गया कहाँ पे गया, तो ऐसा इसके टॉप ऑफ आउटलुक डेटा फाइल के अंदर ही इनबॉक्स और सेंड मेल और बाकी जो भी मेल रहेंगे इसके अंदर दिखाई देंगे। ओके, इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।